अच्छी मतलब मैं समझता हूँ कि अनवाइंड होने के लिए मुझे इस फिल्म की ज़रूरत थी। बहुत सीरियस किस्म के रोल करते रहे और उसके बाद थकान आ जाती है, फिर खुल के हंसने के लिए मुझे ये फिल्म की ज़रूरत है और मैं बहुत खुश हुआ देखने के बाद। ये नहीं ये है कि जॉन के अनिल या मैं या नसीर, सब ने इतना परफेक्ट एक कुछ कॉम्बिनेशन हो गया, हो जाता है वो, करना भी चाहोगे तो कभी कभार होता नहीं है, लेकिन इतना बेहतरीन है और बहुत माउंड होती जाती है। और अनीस ने बहुत अच्छी तरह लिखी है और दो चार राइटर थे, बेहतरीन तरीके से बबूनी हुई है और मुझे लगता है पहले से ज़्यादा बिजनेस तो करेंगे। हमने कहा फिरोज़ नड़िया द्वारा जो हमारे प्रोड्यूसर है कि भाई आप गिनती करते रहो, 100 करोड़ है, 200 है, 300 है, आप करो, हमारे रेमुनरेशन में तो फ़र्क होने वाला नहीं, पैसे हमारे उतने ही मिलने वाले, सिर्फ खुशी होगी कि अपनी फिल्म चलती है। इस वक्त तो कॉमेडी, क्योंकि वेलकम बैक अभी रोमांस, जब जब रोमांटिक फिल्म करूँगा तो बोले मुझे रोमांटिक पसंद तो बुढ़िया देख के, जो पेशेंट देख के मैं बुढ़िया भाग के रहूँगा, इस वक्त मुझे कॉमेडी पसंद है। आई लव कॉमेडी द मोस्ट, बट आई एम मोस्ट कम्फर्टेबल इन एक्शन। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है एंड आई थिंक इट्स द टफेस्ट जॉनर टू डू। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है and I think in Welcome Back we have done that। वो अनीस को बोला था कि भाई मैं ऐसे इस किस्म की फिल्में मैं करता नहीं, मुझे रास नहीं आती, मुझे वाहियात लगती है, तो तुम अपने माँ की कसम लेके मुझे बताओ ये रोल मुझे करना चाहिए कि नहीं। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था अनीस के, अब क्या बोलूँ, तो बाद में बोला हाँ माँ की कसम लगता है कि ये रोल आपको करना चाहता, तो मैंने कर लिया। तो मैंने पूछा तक नहीं कि ये रोल क्या है, तुझे लगता है क्या मैं करूँ। मैंने जिस तरह की फिल्में के, मेरी जो ज़िंदगी में मैंने मेरी पूंजी है जितनी कोई इज्जत कमाई है वो तो धूल में नहीं ना जाएगी, मिट्टी में नहीं ना जाएगी, तो उसने कहा नहीं जाएगी, इसलिए मैंने पहले की और उसके ऊपर मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरे में तो मैंने पूछा भी नहीं, तो मुझे मालूम था कि वो बेहतरीन ही कुछ करेगा। बाद में उसने जब नरेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे किरदार बहुत अच्छी तरह से बुने उसमें, ये जो बंदा आता है वो, हालाँकि एक बहुत सरप्राइज़ है, मेरे कितने रोल हैं मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बहुत 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 कमाल का पसंद है, मैं बहुत अच्छा। नहीं मेरे लिए तो सारे सीन्स काफ़ी डिफिकल्ट थे क्योंकि इस फिल्म में कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने वर्किंग विद एक्टर्स लाइक नाना सर, अनिल सर एंड परेश सर, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो एक सीन जो था अपना ग्रेवयार्ड वाला अश्विन से, अच्छा अच्छा बाद। गलत सवाल करोगे तो एक्शन, सही सवाल करोगे तो कॉमेडी। आपको जवाब मिल गया। एक जमाना था कि एक्शन, अभी एक्शन और कॉमेडी ये दोनों का बहुत कमाल का एक मिश्रण है वेलकम बैक, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, एक्शन कॉमेडी। इसके लिए भी अब ये कहता है कि मैं एक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कॉमेडी अच्छी लगती है, तो उसको दोनों मिला इस फिल्म में। एब्सोल्युटली।